रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स की में हाल चाल, उम्मीद करें या ठीक ठाक हो। तो व्यूवर्स तकरीबन जो है वो 4 बज चुके हैं और अभी हमें जो है वो थोड़ी सी सोच आई है कि मौसम जो है वो ठंडा हो गया, तो बच्चों को थोड़ा सा मीनू जू दिखाते हैं बखर वाला, तो मेरे साथ रहिएगा, मैं आप लोगों को भी ज़रूर विज़िट कराऊँगी। तो अभी हम जा रहे हैं, दुआ करना खैर वाफियत से पहुँच जाए व्यूवर्स, क्योंकि अभी जो है हम दूर थोड़ा हमसे हो जाता है व्यूवर्स मिनी जू, और दूसरी बात है टाइम थोड़ा शॉर्ट है, तो मिलते हैं वहीं पर जाके। फाइनली हम चिड़िया घर से निकलेंगे, तो हम तक पहुँच चुके हैं और ये जो है कौन सी जगह पे वाकया है, तो इसकी लोकेशन आपको बता रही थी व्यूवर्स के लिए, जो पत्थर हॉस्पिटल के सामने जो है बिल्कुल ये वाकया है। तो चलते हैं अंदर की तरफ। जी तो व्यूवर्स, जब भी आप इस गेट में जो है वो इंटर होंगे तो सामने जो है वो बच्चों के लिए पार्क बनी हुई है और झूले वगैरह लगे हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं। तो लेडीज़ का ख्याल करना है, बाकी बस काफ़ी जो है वो एरिया है पार्क का, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चों के जो है वो इस तरह के कुछ झूले भी लगे हुए हैं और स्लाइडें भी हैं। बच्चे आए हुए हैं, बहन भाई हो आपस में, कहाँ से आए हो? बक्खर से आए हो, तो काफ़ी क्यूट जो है वो बहन भाई हैं, झूले में झूलने के लिए आए हैं बस। तो हैं और उसके बाद जो है आप लोगों को मैं जानवरों का विजिट करवाती हूँ कि कौन कौन से जानवर जो है वो मिनी जू में पाए जाते हैं। मेरे मुंह ज्यादा जोर तो नहीं लगता पिया जी भी, बस थोड़े से झूले हमने खा लिए हैं और फिर खाली पिंजरा मुझे नजर आ रहे हैं, जो अमरूद का बच्चा है जरूर इसके अंदर, चलते हैं आगे। ये छोटे छोटे से जो है वो रास्ते से बने हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत पार्क है, पार्क है मिनी जू, और यहाँ पे जो है काफ़ी सब्ज़ाज़ार भी है, छोटे बड़े दरख्त भी अब हैं और इंशाल्लाह जल्दी बड़े हो जाएंगे, क्योंकि न्यू न्यू पार्क है तो थोड़ा टाइम तो लगता है। अभी ये दरख्त छोटे थे जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी, तो अब काफ़ी जो है घने और बड़े हो चुके हैं। की और ये सामने भी हैं, तो व्यूवर्स जब भी आप बखर आएँ, जो बखर के बाहर आएँ, जो बखर के अंदर हैं, चाहे वो किसी देहात में है या शहर में है, तो अपने बच्चों को यहाँ पे ज़रूर लेके आएँ। जो बच्चों के लिए बनाया गया है, बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, काफ़ी गवर्नमेंट का मुझे तो लगता है खर्चा हुआ हुआ है इस जगह पर, क्योंकि आप देख सकते हैं। बहरहाल व्यूवर्स, अभी जो है वो नया नया बना है, तो जानवर भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रखे हुए हैं, लेकिन जो नहीं है वो भी आ जाएंगे। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि ये भी कोई वैरायटी है हरी हिरणियों की, जो कि यहाँ पे बंद है जी व्यूअर्स। तो ये देखें, अभी यहाँ पे कांटेदार काफ़ी पौधे उगे हुए हैं, क्योंकि इनको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसका जब बीज जब ड्रॉप होगा तो ये ज़्यादा बढ़ते जाएंगे और बच्चों के लिए काफ़ी मसला खड़ा करेंगे। हमारी ज़ुबान में सराइकी में इसे बखड़ा रहते हैं और इसके कांटे बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। जगह है यहाँ पे जो है रीच वगैरह रखे हुए हैं, उनके बिल वगैरह बनाए गए हैं सामने। बारह यहाँ पे तो अभी तक जो है वो बेर कोई नज़र मुझे आया नहीं है, या तो वो बिल में देखा होगा, जैसे ही बाहर निकलेगा तो हम उसको कमरे में कैप्चर कर लेंगे, लेकिन फिलहाल वो सामने नहीं है। गर्मी यहाँ पे दिखाओ ज़रा, ये देखें व्यूवर्स, ये पानी जो है उन्हीं के लिए है, लेकिन काफ़ी गंदा हो चुका है व्यूवर्स ये पानी, और पता नहीं वो इसमें किस तरह नहाते होंगे, बहुत ही गंदा पानी है व्यूवर्स, जहाँ पे मच्छर वगैरह भी काफ़ी होते होंगे, क्योंकि ये गंदगी जो है वो पता नहीं कब से जमा है, साफ पानी नहीं है। बेयर के लिए यानी कि रीछों के लिए बिल बनाया गया है, शायद इसके अंदर जो है वो घुस के अभी आराम फरमा रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, अभी बाहर जो है वो नहीं आए। तो व्यूवर्स चलते हैं, आप लोगों को मैं विजिट कराती हूँ ज़ेब्रा के हाउस का, यानी कि ज़ेब्रा कितने हैं और ये यहाँ पे वो कैसे हैं। जो थी तो व्यूवर, ये ज़ेब्रा हाउस है, यहाँ पे जो है वो छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं और वहाँ पे देखें अंदर भी कमरों के हैं और वहाँ पे बाहर भी जमा हुए हैं, तो पास जाके मैं वीडियो आप लोगों को क्लोज करके दिखाती हूँ। छोटे बच्चे भी हैं ज़ेब्रा के, छोटा क्यूट सा बच्चा है उनका, और ये तीन बड़े ज़ेब्रा मौजूद हैं और बाकी पीछे भी हैं।
तो बहुत ही क्यूट हैं व्यूवर्स, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो चलते हैं आगे, मैं आप लोगों को परिंदों का विज़िट कराती हूँ, तो आप भी हमें विज़िट करना। छोटा सा हाउस है इधर, यहाँ पे भी हेमी वगैरह रखी हुई हैं, यहाँ पे भी डियर मौजूद हैं और यहाँ पे जो है वो खा पी रहे हैं अपना चारा वगैरह, कमरे छोटे छोटे, बच्चे भी हैं साथ। तो व्यूवर्स इस तरफ चलते हैं, परिंदों का विज़िट करते हैं कि कितना बड़ा जो है वो शेड सा बना हुआ है और इसमें रखे हैं जो परिंदे, परिंदों में जो है वो बच्चे, वैरायटी आप चेक कर सकते हैं। आपको चकोर जो पाकिस्तान का कौमी परिंदा है वो मुझे नज़र आ रहा है और साथ में तीतर जो है वो देसी तीतर वो नज़र आ रहे हैं और इस तरह की मुझे कुछ पत्थर नज़र आ रही हैं और छोटे बच्चे भी अवेलेबल हैं और इनका पानी भी कोई साफ शफाफ नहीं है, बहुत ही गंदा धुंधला सा पानी है। और ये भी देखें आप, छोटा सा क्यूट सा बच्चा जो है वो बाहर खड़ा हुआ है। तो पत्थर नज़र आई हैं और तीतर मैंने देखा है, चकोर भी मुझे एक दो नज़र आए और बाकी मुझे कोई चीज़ अभी नज़र नहीं आ रही है। मुझे फाख्ता भी नज़र आ गई हैं, वो भी अंदर जो है वो कैद है, बंद है। एक अंडा भी मुझे नज़र आया है कि वो पास बिल्कुल बड़ा हुआ है। ये देखें व्यूवर्स, यहाँ पे जो है ना बत्तख ने अंडे दिए हुए हैं, शायद यहाँ पे फिर वो बच्चे भी देगी, तो आप देख सकते हैं। जब मैं पिछले लास्ट टाइम भी यहाँ पे आई थी तो ये इसी तरह यहाँ पे घूम रहा था और आज भी ये साथ साथ है। तो ये बहुत क्यूट सा तीतर है व्यूवर्स, आप देख सकते हैं। और ये देखें जी, तो व्यूवर्स आज गर्मी बहुत ज़्यादा है और हबस तो बहुत ज़्यादा है व्यूवर्स, यहाँ पे चलना भी मुश्किल है। तो अब चलते हैं बाहर की तरफ किसी होटल पे और वहाँ पे करते हैं जी खाना खाते हैं, फिर घर चलेंगे। आज के व्लॉग का जो है इधर ही जो है इख्तिताम करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।